उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के नगर सुकावाद में आज पहली बार एक फेस ऑफ फैशन शो का आयोजन सुकावाद के NH2 स्थित ACMT कॉलेज रूपसपुर में आयोजित किया गया था, जहां दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के कई शहरों से आए छात्र एवं छात्राओं ने देर रात तक रैंप पर अपना जलवा बिखारा। वहीं आए हुए दर्शकों ने देर रात तक फैशन डिजाइनिंग शो का जमकर आनंद लिया, जहाँ इस मौके पर ACMT ग्रुप के चेयरमैन योगेश यादव और आईफा की UP हेड अनुस्वा घोष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आईफा उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के नगर सुकावाद में पहली बार एक ब्रांच खोलने जा रहा है, जिसके माध्यम से जिले के छात्र एवं छात्राओं को इस फैशन डिजाइनिंग शो के माध्यम से एक फैशन डिजाइनिंग एवं मास कम्युनिकेशन व होटल मैनेजमेंट जैसे कई कोर्स को हम लेकर आ रहे हैं, जिसके द्वारा छात्र एवं छात्राओं को एक व्यापार मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा, जो लोग यह समझ रहे हैं कि फैशन डिजाइनिंग शो का माध्यम केवल TV कलाकारों से है, तो वह बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस शिक्षा को हासिल कर हमारे नए छात्र एवं छात्राएं अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उन्हें एक व्यापार करने का मौका भी मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सुकावाद उप जिलाधिकारी IAS एकता सिंह एवं सीसागंज CO IPS डॉक्टर इराज राजा व उनके साथ CO सुकावाद एवं CO जसाना एवं CDO IAS नेहा जैन के साथ SKH न्यूज TV चैनल एवं SKH फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर प्रशांत वशिष्ठ अपनी पूरी टीम जुर्म की रफ्तार के साथ वहाँ मौजूद रहे। वही फिरोजाबाद एवं सुकावाद के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के साथ साथ हमारे SKH न्यूज TV चैनल के सीसागंज रिपोर्टर सचिन जैन इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट SKH न्यूज। एक बार जोरदार ताली मैम के लिए। थैंक यू मैम। बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस सुकावाद है और यहाँ ट्रेडिशनल एजुकेशन का चलन रहा है, शुरू से ट्रेडिशनल एजुकेशन रही है। आज और क्या उद्देश्य था इसके? एक्चुअली अभी जैसा हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों बताया था, बहुत अच्छा रहा और जैसा सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा। हमारे पास जो अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वो दिल्ली वाले कॉलेजेस के थे, उसके साथ साथ हमारे अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगहों से मॉडल्स और डिजाइनर्स आए हुए थे। मॉडल्स ने, डिजाइनर्स ने, बाकी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा प्ले किया, ऑडियंस भी बहुत आई थी, पूरा फिरोजाबाद जिला लगभग कवर था। और हमारा जो यूथ था, स्टूडेंट जो थे 17 साल से लेके और लगभग 30 साल के बीच के, वो कई मैं समझता हूँ शायद 1000 के हिसाब से होंगे। इसके अलावा प्रशासनिक लोगों में CDO मैम थी, जस साहब थे, वो मेरे मित्र हैं। उसके अलावा चौहान साहब, CO जसराना, उसके अलावा CO सिरसागंज और कुछ चीफ गेस्ट और मुख्य अतिथि हमारे पास हमारे साथ आए और हमें टाइम दिया उन लोगों ने। मीडिया वाले भाइयों का बड़ा सहयोग रहा, आप लोगों ने बड़ी मदद की है। उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स का सबका बहुत ज्यादा अच्छा योगदान रहा है। आईफा की लॉन्चिंग हम जैसा सोचते थे, हम जैसा चाहते थे, उससे भी अच्छी हुई है। आईफा की लॉन्चिंग उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि हमने जैसा प्लान किया था, हमारी जैसी टीम ने प्लान किया था, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी हुई है। और जिसकी शुरुआत एडमिशन के तौर पे हम 20 तारीख के बाद स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो फैशन डिजाइनिंग और मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।